शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इनबीसीएन न्यूज के doctor.com इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। जो स्थिति कोरोना महामारी से पूरे देश या जग पूरे विश्व में है और जिस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, इस विषय पर आज हमारे साथ है डॉक्टर अतुल तेलरांदे, जो कि शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक से है। 10 सालों से यह क्लिनिक वो चला रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें सक्षम तरीके से वो आगे बढ़ चुके हैं। हम आज जानेंगे उनसे कि जिस तरह फिलहाल की परिस्थिति जो बनी है उसको देखते हुए इम्यूनिटी को लेकर जो है लोग अवेयर हो चुके हैं और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, लोगों में और भी जागरूकता आना जरूरी है। जिस तरह कोरोना महामारी देश में चल रही है, सबसे पहले मैं तो स्वागत करूंगी आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस प्रोग्राम में। क्या बताना चाहोगे, इम्यूनिटी जो रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है, इसे कितने प्रकार की है रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है और किस तरह इसे बढ़ाना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता, या फिर उसको संस्कृत में वैदिक क्षमत्व भी कहा जाता है। आपका शरीर जब बनता है, जब आपका शरीर बनता है तब से लेके सिंस बर्थ आपके शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होता है जिसे आप इम्यूनिटी कहते हैं। रोगों से आपके शरीर को लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है। जैसे बच्चा गर्भ में ठहरता है या फिर कंसीव होता है, सिंस देन ओनली उसको प्रोटेक्शन मिलता है गर्भ में उसकी मदर के वोम का, राइट? और जब डिलीवर होके बाहर आता है तब से लेके टिल द एंड ऑफ लाइफ उसके बॉडी में एक सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है, जो बाहरी वायरल या बैक्टीरियल या किसी भी एंटीजेंस के अटैक से शरीर को बचाता है। उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को या डिफेंस मैकेनिज्म को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इसे रोग प्रतिकारक क्षमता कहा जाता है। रोग प्रतिकारक क्षमता जो है इसका क्या महत्व है एक हमारे लाइफ में? देखिए, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके बॉडी में नेचुरली वो जो मैकेनिज्म बना है रोग प्रतिकारक क्षमता का, फॉर हिज वेल बीइंग, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीजेस। नॉर्मली आप जब रेस्पिरेशन करते हो, कुछ इंटेक करते हो, पानी पीते हो, फूड लेते हो, कोई भी चीज़ जब आपके शरीर में अंदर जाती है तो वो पूरी तरह सैनिटाइज नहीं हो सकती। एयर भी जाएगा, उसमें डस्ट जाएगी या फिर उसमें वायरसेस बैक्टीरिया ऐसे ही आपके बॉडी में जाएंगे और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएंगे और ब्लड में घुलेंगे। खाना जो खाओगे आप प्रोसेस करके भी खाते हो, फिर भी कुछ ना कुछ प्रमाण में उसमें बैक्टीरिया, वायरस या कोई ना कोई पैथोजेंस या जर्म्स अंदर जाएंगे। जब वो जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर की जो इम्यूनिटी है वो फटाक से उसके ऊपर अटैक करेगी और उसको किल करके आपके शरीर को होने वाले उन बैक्टीरिया या वायरसेस या जर्म्स से होने वाले डिफरेंट डिजीजेस से बचाने की कोशिश करेगी, राइट? तो इम्यूनिटी का ये इंपॉर्टेंस है कि आप लाइफ लॉन्ग फिट रहे, आपको डिजीजेस ना हो। जो भी इन आपके बॉडी में गया है, जो भी पैथोजन या फिर जर्म बॉडी में गया है, उससे आपकी बॉडी को डिजीज होने से रोका जाए ताकि आप फिट रह सके। बॉडी को फिट रखने के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना जरूरी है। ये रोग प्रतिकारक शक्ति जो है किस तरह से बढ़ती है, क्या बताओगे? देखिए, नेचुरली आपके बॉडी में रोग प्रतिकारक क्षमता के जो या रोग प्रतिकारक क्षमता बोले या शक्ति बोलो जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, उसके टाइप्स भी होते हैं। हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इनेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट यानी सहज या फिर जन्मता जो शरीर में इम्यूनिटी होती है उसे इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और कुछ इम्यूनिटी अक्वायर्ड की जाती है। अक्वायर्ड की जाती है यानी बाहर से हम लोग लेते हैं। जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हो गया अपने इंडिया में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिंस वेरी लॉन्ग टाइम इम्यूनाइजेशन शुरू हो गया। उससे पहले भी इम्यूनाइजेशन होता था, यानी शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए इम्यूनाइजेशन ये प्रोग्राम तब भी चलता था, वो अलग तरीके का होता था। अभी कैसा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंड्यूस किया गया है सो दैट जो भी इन्फेक्टिव डिसीजेस है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉलरा हो गया, पोलियो हो गया, ऐसे डिफरेंट डिसऑर्डर्स से, चिकन पॉक्स वगैरह सबसे बच्चे को और ग्रोइंग चाइल्ड को और इवन ह्यूमन बींग्स को बचाने के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये होगी अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें वो वैक्सीन्स क्या करती है कि आपकी बॉडी को एक्टिव कर देती है, उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। जैसे आपकी बॉडी होने वाले इन्फेक्शन से पहले ही आपकी बॉडी में इम्यूनिटी वो रेडी हो जाती है। कुछ इम्यूनिटी पैसिव होती है, जैसे कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को डायरेक्ट डाल दिया जाता है, तब आपकी बॉडी पैसिव होती है, वो एक्टिव होती है, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी।
दिस इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब आप बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाया कैसे जाए। नेचुरली अगर आप आपकी लाइफस्टाइल नेचुरल स्टाइल से नेचुरल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ हेल्थ से जीते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी इम्यूनिटी तैयार कर दिखती है। जो आपका इम्यून मैकेनिज्म है वो नेचुरली चलता रहेगा और इम्यूनिटी को रीप्रोसेस करते रहेगा, वापस वापस बूस्टअप करते रहेगा। सिंपल थिंग है, अर्ली इन द मॉर्निंग आपको जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, टाइमली ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स वगैरह, 4 अर्ली 6 अर्ली डाइट लेना चाहिए। डाइट ऐसा हो जो हल्का हो, पचे, और ऐसा भी हो जो आपकी बॉडी को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट विटामिन्स मिनरल्स सॉल्ट्स जो भी नेसेसरी आपकी बॉडी की है विटामिन्स वगैरह सारी चीज़ें वो आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर सके। ऐसा फूड आप लेते हो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाते हो, फूड इनटेक वाटर इनटेक अच्छा हो रहा है, क्वालिटी हो रहा है, इसके साथ साथ आप नेसेसरी रेस्ट जो होती है कुछ लोगों को 6 आवर्स कुछ लोगों को 8 आवर्स जो नेसेसरी स्लीप होनी चाहिए वो मेंटल पीस के साथ अगर आप रात को अच्छे से स्लीप लेते हो एक्सरसाइज करते हो वर्कआउट करते हो स्ट्रेस से दूर रहते हो तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बनती रहेगी और रिबूस्ट होती रहेगी। इसके बावजूद अगर जैसे कुछ अभी जो सिचुएशन है कोरोना की सिचुएशन है, इस टाइप की जो महामारी है कई वर्षों में पिछले हिस्ट्री में ना पहले कभी देखी गई है, आगे का पता नहीं, लेकिन अभी इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। ऐसी कंडीशन में अभी इम्यूनिटी की इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ रही है। बिल्कुल, अब जरूरी लग रहा है कि इम्यूनिटी होनी ही चाहिए, इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस नहीं था ऐसे नहीं है, अभी लोग ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, अवेयरनेस अभी लोगों में आ चुका है क्योंकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने तो प्रोग्राम लॉन्च करके रखा ही है इम्यूनाइजेशन, और वो टाइमली आपको इंस्ट्रक्शन देते ही रहते हैं और डॉक्टर्स भी आपको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको बताते रहते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, दिस इज गुड फूड दिस इज बैड फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, ऑयली ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ें बताते रहते। अब नेचुरल और वेरी स्टैंडर्ड फूड हैबिट्स गुड फूड हैबिट्स आपको डालना ज़रूरी होता है तो सो दैट आप आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकें। अभी क्या हो गया है कि आपको आज वेलनेस के लिए फिट रहने के लिए इन स्ट्रेस सिचुएशन के लिए हैवी एग्जर्शन के लिए तैयार रहना है। इसके साथ ऐसी जो महामारी या ऐसे जो वायरल इन्फेक्शन आपके अचानक से आपके पास आ जाते हैं कि अचानक से लॉकडाउन करना पड़ रहा है, अचानक से अलर्मसी सिचुएशन आ गई है, किसी को कोई आइडिया नहीं था, और ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस अब बहुत बढ़ गई। बिल्कुल, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए देर आर नंबर ऑफ रेमेडीज और देर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट यू कैन गो थ्रू टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। जिस तरह से अभी आपने बताया वैक्सीनेशन जो होता है वो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए होता है, इसी तरह से कुछ घरेलू उपाय जो है हम घर पे करते हैं या उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े ऐसी कुछ राइट देखिए जैसे मैंने एकदम शुरू में ही बताया कि नॉर्मल लाइफस्टाइल जो नेचुरल हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसमें आप सुबह उठिए फ्रेश होइए एक्सरसाइजेस कीजिए खासकर योगा कीजिए प्राणायाम कीजिए, उसके अलावा आपकी जो मॉर्निंग ड्यूटीज है उसको टाइमली कीजिए, मेडिटेट कीजिए, खाना टाइमली खाइए, डाइजेस्ट हो ऐसा खाइए, अच्छी फूड हैबिट्स रखिए, फ्रेश वाटर पीजिए, फ्रेश एयर में रहिए, उसके साथ साथ स्ट्रेस को दूर रखिए, अगर आपको स्ट्रेस है तो और मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को, रात को नींद अच्छी लीजिए, ये चीज़ें। और डाइट में क्या है, जैसे इंडियन डाइट की बात मैं करता हूँ कि अपना इंडियन डाइट काफ़ी बैलेंस्ड है अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, हम जो भी खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी और साथ में एडिशनल जो भी चीज़ें हमको मिलती है, और सीजनल हम फ्रूट्स खाते हैं, सीजनल डाइट आइटम्स होते हैं अपनी इसमें, जैसे पर्टिकुलर त्योहारों में पर्टिकुलर चीज़ें बनती है तो दे आर डेफिनेटली साइंटिफिक फूड हैबिट जो इंडियंस को है, अभी हमने कुछ अक्वायर कर लिए जो कि दैट इज डाउटेबल, लेकिन जो नेचुरल फूड हैबिट्स एंशियंट इंडियन कल्चर से चलती आ रही है वो डेफिनेटली साइंटिफिक है और इम्यूनो बूस्टर। जैसे हम लोग मसाले खाते हैं खाने में, दे आर डाइजेस्टिव, दे आर इम्यूनिटी राइजिंग, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले हैं, उसमें जैसे हल्दी हो गया, तुलसी हो गया, काली मिर्च हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस हो गया, ऑयल हम जो खाते थे पहले, अभी तो थोड़ा ऑयल का बदल गया, घी खाते थे हम, गाय का दूध पीते थे, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में नेचुरली जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, राइट। ये घरेलू उपाय हो गया। इसके अलावा जैसे आप चाय पीते हो, कई बार कहीं हम लोग हरली की चाय पीते, कई बार हम लोग अदरक की चाय पीते, हम लोग तुलसी की चाय पीते,
ये सारी चीज़ें हो गई। हम लोग जो काली मिर्च होती है, कई बार हमारे पुलाव में काली मिर्च पड़ी होती है, हम उसको हटा देते हैं। काली मिर्च खानी चाहिए, वो इम्यूनो बूस्टर है, ठीक है ना। जो जो आप फ्रूट्स खाते हैं उसके कवर्स को भी, जैसे संतरा हम खाते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज का कवर हटा के हम अंदर की चीज़ें खाते हैं, ऑरेंज के कवर में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये फूड हैबिट्स जो स्टैंडर्ड है वो आपको मेंटेन करनी चाहिए, राइट। ये घरेलू नुस्खे हो गए, घरेलू उपाय हो गए, जो आप नेचुरली खा रहे हो, जो आपको नेचुरली मिल रहा है वो आप खाते रहिए, फ्रेश खाइए, ताज़ा खाइए और डाइजेस्ट करने के लिए खाइए। ये घरेलू नुस्खे हो गए। बिल्कुल, ये तो घरेलू नुस्खे हो गए, लेकिन आपके द्वारा या डॉक्टर्स द्वारा किस तरह की औषधि जो है रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बढ़ाने के लिए लेना चाहिए, क्या बताओगे? जी देखिए मैडम, रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए नेचुरल लाइफस्टाइल जीना और ये नेचुरल डाइट हैबिट्स को मेंटेन करना और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया, वो ज़रूरी। इसके अलावा उसको अभी के सिचुएशन में अपने को बूस्टअप रखना ज़रूरी है। पता नहीं किस समय वायरस लोड आपके पास, वायरल इन्फेक्शन आपके पास आ जाएगा और आपको इन्फेक्ट कर देगा। ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम ऐसा चार्ज्ड हो कि वो वायरस आपके पास आए भी तो आपको बीमार ना कर पाए, आपको डैमेज ना कर पाए, और आपकी इम्यूनिटी ऐसे ही उसको मैनेज कर ले, सो दैट आपके पास सिम्टम्स भी डेवलप ना हो और ना ही आप दूसरों को कोई इन्फेक्शन दे सके। ऐसी सिचुएशन में अभी जो हम आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन या फिर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन अभी आयुष मंत्रालय ने सर्टिफाई कर दिए, उनको उन्होंने अप्रूव कर दिया। उसमें से अभी आयुष काढ़ा करके अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें दालचीनी है, तुलसी है, हल्दी है, ये कुछ चीज़ों से उन्होंने एक पाउडर तैयार किया जिसका आप काढ़ा बना के पीजिए। आर्सेनिक एलम करके होम्योपैथिक मेडिसिन भी होम्योपैथी वालों ने ये किया और उसको प्रमोट कर रहे हैं और आयुष मंत्रालय ने भी उसको अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा च्यवनप्राश, जो पुरानी लाइफस्टाइल से हम लोग बहुत पुराने काल से रोज एक चम्मच च्यवनप्राश खाना चाहिए, ऐसा हमारे बच्चों को भी है और बड़ों को भी, सारी एजेस में हम लोग बताते हैं और बहुत से घरों में ये हैबिट है, सुबह सुबह उठते लोग च्यवनप्राश पीते हैं। कुछ लोग जैसे चाय है उसमें तुलसी डाल के पीते हैं, कुछ लोग तुलसी ड्रॉप्स डाल के पीते हैं। ये सारी हैबिट्स जो है आपको अभी डेवलप करनी पड़ेगी। ये चीज़ें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और आपको उसके कंटेंट्स, अगर आप च्यवनप्राश के कंटेंट्स देखोगे, आप वो इसके आयुष काढ़ा के कंटेंट्स देखोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सारी की सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली है, जो कि आपको अपडेटेड इम्यून रखेगी और आपको वायरसेस से या इस काइंड ऑफ इन्फेक्शन से बचाएगी। बिल्कुल, जिस तरह आपने च्यवनप्राश की बात की है, प्रिजर्वेटिव्स डाल के जो अभी च्यवनप्राश आते हैं अलग अलग फ्लेवर में वो मिल रहे हैं, तो किस तरह के च्यवनप्राश को हमें लेना चाहिए या खाना चाहिए? देखिए, च्यवनप्राश का जो फॉर्मुलेशन है वो च्यवन नाम के ऋषि ने किया था सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, तो उसमें ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव पड़े ही है। उसमें बहुत सारी मेडिसिन प्रक्षेप द्रव्य के तौर पर डाले जाते हैं और बहुत सारे जो कंटेंट्स प्रिजर्वेटिव ही है। There are no need of to add additional preservative. नहीं, उसमें preservative additional डालने की ज़रूरत है, नहीं डाले जाते। अलग अलग कंपनियाँ जो फ्लेवर में दे रही है, ऑरेंज फ्लेवर है, ग्रेप्स फ्लेवर में हमें मार्केट में अभी मिल रहा है च्यवनप्राश, तो कौन सा बेस्ट च्यवनप्राश है, क्या बताओगे दर्शकों को? जो नेचुरली बुक्स में दिया हुआ नेचुरल सिंपल अपना जो आंवला वाला च्यवनप्राश है वही सही रहेगा। एडिशनल फ्लेवर अगर आपको चाहिए, अगर कंपनी दे रही, तो हमारा कोई उसमें मेरा कहीं उसमें कहीं ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उसमें जो क्या कहते हैं उसको आप जो प्रिजर्वेटिव्स बोलते हो, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कंटेंट्स जो है वो अलग रहते हैं, जिससे कुछ बॉडी को अपाय हो, ऐसे कुछ कंटेंट्स? डेफिनेटली नॉट। च्यवनप्राश में जो भी कंटेंट्स है वो स्टैंडर्ड, एक उसका फॉर्मुलेशन ही है, 19-20 हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है। उसमें आंवला है आधा तो, और बाकी कुछ द्रव्य है, घी पड़ता है, बराबर है, उसके बाद उसमें काली मिर्च है, पिंपली है, त्रिकट्टू है, वो सारी चीज़ें पड़ती है। इसके अलावा कुछ टॉपअप करने के लिए कुछ एडिशनल इम्यूनो बूस्टर आयुर्वेदिक मेडिसिन उन्होंने डाली हुई, जो हार्मलेस है, और प्रिजर्वेटिव ऐसा जो अभी जो केमिकल प्रिजर्वेटिव उसमें नहीं पड़ते, उसमें ऑलरेडी जो मेडिसिन पड़ी है वो दे इटसेल्फ एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, और वो इम्यूनो बूस्टर्स भी है। जैसे हम हमारा रायता पड़ता है, क्या कहते हैं उसका, आप उसको अचार पड़ता है, उसमें हम शक्कर भी डालते हैं और नमक भी डालते हैं, दैट एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव, और वो हार्मलेस होता है। हार्मलेस, और लेकिन जो आप ये अचार खाते हो उसका एक डोज थोड़ा सा ही खाना चाहिए, बराबर। उसी प्रकार से च्यवनप्राश का भी एक डोज है, बराबर, उस हिसाब से उसको लेना चाहिए। तो प्रिजर्वेटिव एंड मेडिसिन आपकी बॉडी में जाएंगे, दे आर हार्मलेस, दे आर डेफिनेटली बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, और उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। बिल्कुल, किस तरह का आहार हमें लेना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है पावर बढ़ सकती है?
आहार में जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि एक स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, स्पेशली विटामिन सी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस आया अभी के जो कोरोना का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसमें। तो विटामिन सी के लिए तो फ्रूट्स अच्छे, साइट्रस फ्रूट्स अभी विटामिन सी होते हैं। सबसे बेस्ट होता है आंवला, आंवला हो या फिर आपका ऑरेंज हो, इनमें विटामिन सी नेचुरली इट इज़ देयर। तो फ्रूट्स को भी आप इन्वॉल्व कीजिए, दूध लीजिए, गरम गरम दूध लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, थोड़ा सा दालचीनी, अपना इलायची डालिए, टेस्ट भी उससे अच्छा आएगा। और हो चाहिए तो फिर उसमें आप उसमें शतावरी पाउडर डाल सकते, शतावरी ये भी आता है उसमें, शतावरी कल्प भी आता है उसमें, शतावरी टेस्ट भी देगा। आजकल चॉकलेट फ्लेवर में शतावरी आ रहा है, तो ये नीड नॉट गो फॉर बोर्नविटा वगैरह डालने की जरूरत नहीं। तो ऑटोमेटिकली आयुर्वेद में भी ऐसे प्रिपरेशन आ रहे हैं जो कि टेस्टी भी बनेंगे और बच्चे उसको लाइक करते हो, बच्चों को ये सारी चीजें पिलाओगे तो ऐसे नेचुरली उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहेगी। बिल्कुल, ये तो हो गई आहार की बात हो गई, लेकिन किस तरह की एक्सरसाइज करके हम अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं? जो भी आप वर्कआउट करते हो वो चलता है, चाहे आप जुम्बा करो, चाहे आप जिम करो, लेकिन वर्कआउट करने का एक स्टैंडर्ड और लॉन्जिटिविटी बढ़ाने वाला जो तरीका होता है वो योगासन है। योगासन आपकी बॉडी को कट शेप्स में नहीं लाएगा, लेकिन वो आपकी बॉडी को लॉन्जिटिविटी देगा, लंबा चलेगा वो, जिससे आपकी फिजिक अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, आपके सारे सिस्टम अच्छे से फंक्शन करेंगे और इम्यूनिटी डेफिनेटली बूस्टेड रहेगी। उसमें रिलैक्सेशन योगा है, जैसे प्राणायाम हो गया, राइट, कपालभाती हो गया, इसके अलावा योगा की और भी शुद्धि क्रिया है, जैसे नेति हो गया, जल नेति हो गया, ये सारी अगर आप परफॉर्म करोगे, दीज एक्सरसाइजेस आर नॉट एक्सर्टिंग, एक्सर्ट नहीं करती आपको, आपका डाइट अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आप एक्सर्टेड थके हुए फील नहीं करोगे और आप स्टैमिना लेके ही चलोगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड रहेगी और आप इन दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन से आप बच के रहोगे। बिल्कुल, क्या मानसिक स्वास्थ्य से इम्यूनिटी का संबंध है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैम, कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेंटली अगर आप हैप्पी हो ना, तो देन देर इज़ नो नीड ऑफ एडिशनल थिंग्स। अगर आप सही सो रहे हो, सही टाइम पे सो रहे हो, रात भर अच्छी सी नींद हो रही है, दिन भर आप चाहो जितना काम करो, लेकिन यू आर हैप्पी विथ योर वर्क एंड यू आर एंजॉइंग योर वर्क एंड यू आर मेंटली हैप्पी, तो गुड हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिससे कि आपकी जो हार्मोनोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी वो बहुत सही चलती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के सारे प्रोसेसेस, सारे सिस्टम्स सही काम करते हैं और इम्यूनिटी को डेफिनेटली बूस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें एक तरफ और मेंटल हेल्थ एक तरफ, मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्यूनो बूस्टर होती है, इसलिए हेल्दी रहने के लिए आपको हैप्पी रहना अति अति आवश्यक है। हैप्पी रहो, डेफिनेटली हेल्दी रहोगे। बिल्कुल, क्या स्वस्थ वृत्ति ये इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है या बदल भी सकती है? स्वस्थ वृत्त यानी जैसे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के तौर पर अभी सब्जेक्ट है, या फिर उस जमाने से स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ वृत्त यानी जीने के नियम, खाने पीने के नियम, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, यानी सीजनल डेली एंड नाइट रेजिमेन, आदमी को दिन में क्या करना चाहिए, आदमी को रात में क्या करना चाहिए, आदमी को हर सीजन में किस टाइप से बिहेवियर करना चाहिए, किस टाइप से लाइफस्टाइल को आपके रखना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे हर सीजन में। आप देखो सीजन जैसे बारिश हो गई, सीजन बदल गया, गर्मी आ गई, सीजन बदल गया, ठंडी आ गई, सीजन बदल गया, ठंडी गर्मी और बारिश के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उसे ऋतु संधि कहते हैं, जो सीजन के जॉइंट्स होते जहाँ पे सीजन बदलने वाला है, आपकी बॉडी को एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो उस समय आप बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब सीजन बदलता है तो आपकी बॉडी की, आपकी फिजियोलॉजी को, आपकी होम्योस्टेसिस को एडजस्ट करना पड़ता है एटमोसफियर के साथ। एडजस्टमेंट के समय एनर्जी लगती है और उस समय इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो वो जो स्वस्थ ऋतु है उसमें नियम कि रेनी सीजन में क्या करना चाहिए, विंटर में क्या करना चाहिए, समर में क्या, समर में सिंपल जैसे हम लोग फॉलो ही करते हो, समर में जैसे धूप में नहीं जाना चाहिए, पानी आपको ठंडा पीना चाहिए, गर्मी से बचना चाहिए, बारिश में नहीं भीगना चाहिए, पानी बॉईल करके पीना चाहिए, फिल्टर पीना चाहिए, बराबर है? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जैसे विंटर है, विंटर में कपड़े गर्म पहनने चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ें हमको पता है, उसे स्वस्थ ऋतु कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बारीक नियम हैं जो कि हमेशा आपको फिट रहने के लिए ही प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह अभी कोरोना महामारी चल रही है, क्या संदेश आप डॉक्टर हो, क्या एक जनता को या शहर के नागरिकों को संदेश देना चाहोगे किस तरह से आगे रहना है, लाइफस्टाइल अपनी
चेंज करनी है। आजकल हम देखते हैं पूरी तरह से लाइफस्टाइल है सभी की बदल चुकी है, जिस तरह से वर्किंग जो है लोड बढ़ गया है, तो क्या बताना चाहोगे? अभी फिलहाल लॉकडाउन है तो घर से ऑनलाइन भी काम शुरू है, तो किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, किस तरह का आहार ले, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो त्रासदी या फिर डिसास्टर आ गया है, जिसमें कोरोना जैसे एक वायरस ने सारी दुनिया को ही लॉकडाउन कर दिया, हमारे ऊपर भी ये बहुत बड़ा संकट आया है, लेकिन आपको इससे घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं। हमको सबसे पहले क्या करना है, मेंटली हैप्पी रहना, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना। इससे क्या होगा कि आप डरोगे नहीं, डरोगे तो क्या होगा कि देर विल बी अ पैनिक, डर के मारे हम पैनिक सिचुएशन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट रहिए कि कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित है, सुरक्षित रही। आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रैवलिंग के जो नियम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने बताए जाते हैं टाइम टू टाइम, उस गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए। आपको अगर किसी से भी बात करनी है तो 1 मीटर का कम से कम डिस्टेंस रखिए। बाहर जाते समय डेफिनेटली आपको मास्क का यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जब आप क्लिनिक्स में जाते हैं, डॉक्टर से विजिट करते, उस समय भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। आपको हाथ अच्छे से धोने चाहिए, कंपलसरी धोने चाहिए। घर से बाहर जाने के बाद, बाहर से अंदर आते समय आपको अच्छे से साफ सुथरा होके ही अंदर आना चाहिए। बाहर की जो भी चीज़ें अंदर आ रही है उनको अच्छे से साफ सुथरा करके ही अंदर लेना चाहिए। ये आपको कुछ दिनों के लिए फॉलो करना ही पड़ेगा, जब तक कोरोना का प्रादुर्भाव या फिर जो उसका थ्रेट है वो पूरी तरह डिजॉल्व नहीं हो जाता। इसीलिए हैप्पी रहिए, इम्यून रहिए, इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए और अपने लाइफस्टाइल को एकदम स्टैंडर्ड बना लीजिए और अपने आप को, अपने परिवार को और अपनी सोसाइटी को बिल्कुल सेफ रखिए। धन्यवाद सर दी हुई जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अतुल तेलरांधे और हमने आज रोग प्रतिकारक शक्ति इस विषय पर इनसे बातचीत की, जानकारी ली और जो जिस तरह से जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है इस पर अमल करें और अपने आप को जो है स्वस्थ रखें। नमस्कार।